हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडीज को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10, कंपोजिशन लेवी। तो आइए नए जोश के साथ में, नई एनर्जी के साथ में हम हमारे प्रोविजन सेक्शन 10 और उससे रिलेटेड रूल्स के हर एक वर्ड का जूस निकालते हैं और हर एक वर्ड को चबा चबा के हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 10, कंपोजिशन लेवी। तो सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 कह रहा है, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। तो अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि इसका क्या मतलब होता है कि नॉट विदस्टैंडिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन दिस एक्ट। तो यहां पर डिपार्टमेंट ने हमें समझाया और कहा सेक्शन 10 के अलावा इस एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उन प्रोविजन में कही गई बात अगर सेक्शन 10 में लिखी गई बात से कॉन्ट्ररी है तो फिर सेक्शन 10 की बात एप्लीकेबल होगी और अदर सेक्शन में बताई गई बात एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने कहा इसको थोड़ा सा आप विस्तार से एलुब्रेट करके समझा दें। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल हम आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर 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 सेक्शन 10 के अलावा और किसी भी सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में, इस एक्ट के किसी भी सेक्शन में अगर कोई बात दी हुई है और वो सेक्शन 10 से कॉन्ट्ररी नहीं है तो फिर वो बात एप्लीकेबल होगी सेक्शन 10 वाले सप्लायर पे भी, वो सेक्शन 10 वाले सप्लायर पर भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। लेकिन 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 अगर इस एक्ट के किसी और सेक्शन में, डेट इज अदर देन सेक्शन 10 में, अगर कोई बात दी हुई है और वो बात, वो प्रोविजन सेक्शन 10 में बताए गए प्रोविजन से कॉन्ट्ररी है तो ऐसी स्थिति में फिर सेक्शन 10 में बताई गई बात एप्लीकेबल होगी, अदर सेक्शन में बताई गई बात एप्लीकेबल नहीं होगी। तो हमने यहां पर डिपार्टमेंट से कहा अगर इसका कोई एग्जाम्पल आप बता दें तो हमारे वो बात दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल समझा देते हैं, ध्यान से सुनिए। तो डिपार्टमेंट ने कहा जब आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे, अभी तो आप 10 पे हैं, लेकिन जब आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि जीएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या ले सकता है, आईटीसी ले सकता है। और जब आप सेक्शन 10 पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में है, सेक्शन 10 के प्रोविजन से टैक्स का पेमेंट कर रहा है, वो रजिस्टर्ड है लेकिन आईटीसी नहीं ले सकता। अब क्या हुआ, इस एक्ट का जो अदर प्रोविजन है वो तो कॉन्ट्ररी बात बोल रहा है और सेक्शन 10 जो बोल रहा है आईटीसी नहीं ले सकते। तो बस यही सब सेक्शन क्या होता है, वन होता है कि फिर आप पे सेक्शन 10 में बताई गई बात क्या होगी, एप्लीकेबल होगी और आप क्या नहीं ले सकेंगे, आईटीसी नहीं ले सकेंगे। एक और एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ने कहा हम देते हैं, आप उसे समझ लीजिए सो डैट ये लिखी गई बात के आपको जूस क्या आ जाए, समझ में आ जाए। जैसे कि जब आप टैक्स इनवॉइस पढ़ेंगे, सेक्शन 31 के प्रोविजन पढ़ेंगे, तो वहां पर डिपार्टमेंट ने कहा लॉ आपको बताएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब सेक्शन 10 का जो सप्लायर है वो भी रजिस्टर्ड है लेकिन सेक्शन 10 में कॉन्ट्ररी बात दी हुई है और ये दिया हुआ है कि कंपोजिशन सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड होते हुए भी टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता, वो एक दूसरा डॉक्यूमेंट इश्यू करता है जिसे हम कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ओके, अब यहां पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ने क्या कहा, अगर इस एक्ट के अदर प्रोविजन में कोई कॉन्ट्ररी बात गिवन हो तो फिर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो प्रोविजन क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा।
ओके, लेकिन 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 इस एक्ट के जो अदर प्रोविजन है, जो सेक्शन 10 से कॉन्ट्ररी नहीं है, जो सेक्शन 10 से कॉन्ट्ररी नहीं है, तो फिर वो प्रोविजन कंपोजिशन सप्लायर पर भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। वो प्रोविजन कंपोजिशन सप्लायर पर भी क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हमने जूस निकाला, डिपार्टमेंट ने का जूस निकाल चुके हर वर्ड का, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट, मतलब ओवरराइडिंग है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कहा ओवरराइडिंग उतना ही है जितना इस एक्ट के अदर प्रोविजन में क्या दी हुई है। अगर कॉन्ट्ररी बात दी है तो ही सेक्शन 10 का प्रोविजन क्या होगा, कॉन्ट्ररी होगा। डिपार्टमेंट ने कहा हमने आपके फ्यूचर के लिए, जब अगली बार जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए हमने आपको रेडीमेड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जूस निकाल के दे दिया है, और आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड होते हुए भी टैक्स इनवाइस इश्यू नहीं कर सकता, ITC भी नहीं ले सकता, क्योंकि सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ओवरराइडिंग सेक्शन है हमारे एक्ट का। तो हमने यहां पर कहा डिपार्टमेंट को, बिल्कुल आपकी बताई हुई बात हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो डिपार्टमेंट ने कहा चले आगे बढ़े, हर वर्ड का आप क्या निकालें, जूस निकालें, जहां कोई समस्या हो तो हमसे पूछें, हम आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके क्या करेंगे, समझा देंगे। तो हम आगे बढ़े, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93 एंड 94। तो हमने यहां पर कहा, हमने डिपार्टमेंट से पूछा, अभी तो आपने कहा कि सेक्शन 10 में जो दी हुई बात है ओके, वो इस एक्ट पे क्या है, कॉन्ट्ररी साबित होगी, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं बट लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 93, ये तो आरसीएम वाला प्रोविजन है, 94 वो भी आरसीएम वाला प्रोविजन है, ओके आरसीएम सेक्शन 10 आरसीएम को ओवरराइड नहीं करेगा, ये बात सुनने में आ गई है ओके, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली में ये बात लॉ में लिखने से लॉ मेकर लॉ हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए, इसे भी हम आपको समझाते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा आप कंपोजिशन सप्लायर हो, आप कंपोजिट रेट से क्या करोगे, टैक्स का पेमेंट करोगे, कंपोजिट रेट आपकी नॉर्मल रेट ऑफ GST से बिल्कुल कम हो सकेगी, बहुत कम भी हो सकेगी, लेकिन 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 डिपार्टमेंट ने कहा अगर कंपोजिशन सप्लायर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली जो अंडर आरसीएम वाली हुई, 93 का आरसीएम वाली हुई है, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आप ये क्लेम ना करना कि मैं तो कंपोजिशन सप्लायर हूं, मैं तो उस पर भी कंपोजिट रेट से ही टैक्स का क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यही बात समझा रहे हैं, आप जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई करेंगे उस आउटवर्ड सप्लाई पे कंपोजिट रेट से टैक्स का पेमेंट करिएगा, लेकिन अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है, अंडर आरसीएम वाली ली है, तो उस पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ GST से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ GST सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ने क्या कहा था, हम नोटिफिकेशन लाके बताते हैं कि कौन सी सप्लाई ऑफ गुड्स पे कौन सी रेट ऑफ GST है, कौन सी सप्लाई ऑफ सर्विस पे कौन सी रेट ऑफ क्या है GST है। तो ऐसी स्थिति में आपको आरसीएम वाली सप्लाई पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की पावर से जो नोटिफिकेशन लाए हैं, उस नोटिफिकेशन में जो रेट ऑफ GST दी है, आप उसी रेट से GST का पेमेंट करेंगे। आप कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिट रेट से उस सप्लाई पे आरसीएम वाली सप्लाई पे GST का पेमेंट नहीं कर सकेंगे। हमने डिपार्टमेंट को कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल पूछिए, आप पूछिए क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा मान लीजिए हम कंपोजिशन सप्लायर हैं, डिपार्टमेंट ने कहा चलो मान लिया। हमने कहा हम जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो आउटवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम है, डेट इज वो सप्लाई अंडर
अंडर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 की वो स्पेसिफाइड, वो नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, वो नोटिफाइड सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, डिपार्टमेंट ने का बहुत प्यारा सवाल पूछा है, क्वेश्चन अच्छा है, अभी तक एग्जाम में आया भी नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल आगे आ सकेगा, आप पहले ही इस बात को जान लें, सो डेट अब एग्जाम में आ जाए आपके तो रॉन्ग हो ही नहीं पाएगा। हमने कहा बताएं, डिपार्टमेंट ने कहा, हमने कहा 9-3 को ओवरराइड करेगा, 9-4 को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। इसका मतलब अगर आप 9-3 वाली सप्लाई एज ए इनवर्ड सप्लाई लो तो भी ओवरराइड करेगा, अगर आप एज ए आउटवर्ड सप्लाई करो तो भी वो उसे ओवरराइड करेगा। कहने का मतलब डिपार्टमेंट ने समझाया, कंपोजिशन सप्लायर अगर आप आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, अंडर आरसीएम सप्लाई करते हैं, तो उस पे आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, उस पे आपका रिसिपिएंट ही टैक्स का पेमेंट करेगा, और वो भी नॉर्मल रेट से पेमेंट करेगा, वो भी कंपोजिशन से पेमेंट नहीं कर सकेगा। ये मतलब होता है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 4। और डिपार्टमेंट ने कहा हम आपके लिए हमेशा जो जूस निकालते हैं वो हम रेडीमेड आपको हमारी इंग्लिश बुक में हमने दिया है, आप एक बार देख लें। तो हमने कहा पढ़ लेते हैं, आरसीएम वाली इनवर्ड सप्लाई पे नॉर्मल जीएसटी रेट से पे करना होगा, एंड आउटवर्ड आरसीएम सप्लाई पे रिसिपिएंट क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा, और ऑब्वियस बात है वो भी नॉर्मल रेट से ही जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो हमने डिपार्टमेंट को कहा थैंक यू, आपने हमें बात समझा दी। पहली बात तो आपने कहा सेक्शन 10 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस एक्ट के अदर कॉन्ट्ररी प्रोविजन से, दूसरा आप आरसीएम वाली सप्लाई पे कंपोजिट रेट से टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकेंगे, उस पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, और इवन आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई होगी उस पे रिसिपिएंट ही पे करेगा, अगर वो सप्लाई अंडर कौन सी है, आरसीएम है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये बात अभी तक हमने कहीं पर सुनी नहीं और अभी तक किसी किताब में हमने पढ़ी नहीं, लेकिन ये बात एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन के आने के बिल्कुल क्या है, चांसेस हैं। चलिए आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बड़े आगे। हमने कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन हूज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR, 1. क्या है, 5 CR, तो जिसका पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो, मे ऑप्ट टू पे इन lieu of tax payable by him under section 9 subsection 1। हमने कहा बात तो वैसे समझ में आ गई, आप ये बोलना चाहते हैं अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, फिर भी अगर कोई सवाल हो पूछ लीजिए, हम तो आपके हर वर्ड का, लॉ के हर वर्ड का जूस देने को क्या है, तैयार है, हर वर्ड को हम चबा चबा के उसका जूस निकाल के आपको दे देंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, नहीं भी है, हमसे आप क्या करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, कर लीजिए। हमने डिपार्टमेंट से पूछा ये जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब यहां पर लिखा है इसका ही आप मतलब समझा दीजिए, सो डेट हम जो पढ़े उसका हर जूस हमको समझ में आ जाए। डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए हम आपको समझा देते हैं रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब, ध्यान से सुनिएगा और समझेगा बात को, कहीं सुनी नहीं पढ़ी नहीं है बात, ध्यान से समझे, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए तो तैयार होंगे ही होंगे, तो ध्यान से सुनो। 1 जनवरी 2020 को मान लीजिए, एग्जाम्पल है 1 जनवरी 2020 को आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपको 30 दिनों में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करनी होती है, ये बात आपको मालूम होगी, होनी भी चाहिए, नहीं तो मान लीजिए और मानिए यही प्रोविजन है
एप्लीकेशन 30 दिनों में करनी होती है, मतलब अप टू 31st of January 2020, कौन सा 20 डेट निकल चुकी है, हम पुरानी डेट का क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, हमें एग्जाम्पल पे फोकस करना है। 1 जनवरी को लाइबल हुए, 31st जनवरी तक एप्लीकेशन करनी थी, आपने कर दी, आप रजिस्टर्ड भी हो गए, तो आपको ध्यान होगा, होना भी चाहिए, आप जीएसटी लॉ में, जीएसटी लॉ में लॉ की नजरों में 1 जनवरी से ही आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। ऐसी स्थिति में 1 जनवरी और उसके बाद से आपने जो भी सप्लाई करी है उस सप्लाई पे आप कंपोजिट रेट से जीएसटी का पेमेंट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 जनवरी से ही आपको लॉ ने क्या मान लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया है। ये होता है जूस रजिस्टर्ड पर्सन का। और सुनिए, और सुनिए, नॉलेज ले लीजिए, अगर आपने 31st जनवरी तक एप्लीकेशन नहीं करी, उसके बाद में आपने एप्लीकेशन करी, मान लीजिए 1st of Feb को एप्लीकेशन करी, तो फिर जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए, मान लीजिए 5 फरवरी को आपको डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में लॉ आपको 5 फरवरी से, मतलब 5th of February से क्या मानेगा, रजिस्टर्ड पर्सन मानेगा। अब इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में 1 जनवरी से लेकर 4th of February तक आपने जो सप्लाई कर दी है, टैक्स तो पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबल तो हो चुके थे, टैक्सेबल पर्सन बन चुके थे, और टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी पे करना होता है, लेकिन आप 1 जनवरी से 4th of February तक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने जा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उस पीरियड की जो भी सप्लाई है, उस पीरियड की सप्लाई पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। आप कंपोजिट रेट से पेमेंट नहीं कर सकेंगे। ये मतलब होता है किसका, ए रजिस्टर्ड पर्सन का। ओके, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट पकड़ लेता है उसको कि आप लाइबल हो, फिर भी आपने क्या नहीं करा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, डिपार्टमेंट के प्रॉपर ऑफिसर ने, उसने सुओ मोटो क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब हमारा सप्लायर बोलता है, अब आपने चूंकि मेरा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है, तो जो मैं ऑलरेडी सप्लाई कर चुका हूं अनरजिस्टर्ड पीरियड में, उस पे मेरे को कंपोजिट रेट से क्या करने दो, टैक्स का पेमेंट करने दो। डिपार्टमेंट ने कहा, वी आर सो सॉरी, आप प्रोविजन पढ़ लीजिए, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन रेट से, कंपोजिट रेट से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा, ये रहा आपके वर्ड का जूस, कौन से वर्ड का, ए किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का, ए रजिस्टर्ड पर्सन का। अब रजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 22 से भी हो सकते हो, आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवाए हुए भी हो सकते हो, या 24 से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हो। आप जैसे भी रजिस्टर्ड हैं, 22 से हैं, 24 से हैं, 25 से वॉलेंट्री हैं, जैसे भी हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो आपका कंपोजिशन हो सकता है। अगर जिस पीरियड के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, उस पीरियड के लिए कंपोजिशन आपका नहीं हो सकता। हमने कहा, थैंक यू, बिल्कुल बात समझ में आ गई है, हर एक वर्ड का इतना इंटरप्रिटेशन है, तो एग्जाम में रॉन्ग होने के चांस ही नहीं हो पाएंगे। Whose aggregate turnover? हमने कहा, यही भी समझा दीजिए, aggregate turnover का मतलब क्या होता है। डिपार्टमेंट ने कहा, समझा देते हैं, लेकिन हमने क्या समझाएंगे, लॉ के वर्ड का जूस निकाल के, जनरल बातें बोल के कभी नहीं समझाएंगे, आपको चलना होगा कहां पे, डेफिनेशंस पे। तो आइए हम चलते हैं किस पे, डेफिनेशंस पे। और डेफिनेशन सेकंड चैप्टर के अंदर हमको क्या करी हुई है, दी हुई है, वहां से हम एग्रीगेट टर्नओवर का क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे। तो आइए एग्रीगेट टर्नओवर का जूस, डिपार्टमेंट ने कहा, ये रहा आपका एग्रीगेट टर्नओवर, और देख लीजिए आपके एग्रीगेट टर्नओवर का इतना सारा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या दिया है, जूस दिया हुआ है। ओके, जूस दिया हुआ है। ओके, चलिए, डिपार्टमेंट ने कहा, आप पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए हमसे पूछ लीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। हमारे यहां पर सप्लायर ने कहा, समझ में आ रही है बात, आपको क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लेनी है, प्लस आपको कौन सी सप्लाई लेनी है, एग्जम्प्ट सप्लाई भी लेनी है, आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी लेनी है,
इंट्रा भी लेनी है, इंटरस्टेट भी लेनी है, ऑफ पर्सन हैविंग क्या है, सेम क्या है पेन। तो हमारे सप्लायर ने कहा टफ तो नहीं है, पेन बेसिस लेना है। इसका मतलब, इसका मतलब अगर आप एक पेन से इंडिया में जितने भी स्टेट से, जितने भी स्टेट से क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सभी को, सभी को क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। ना सिर्फ टैक्सेबल क्या लेंगे, सप्लाई लेंगे, एग्जम्प्ट सप्लाई भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। हमने यहां पर डिपार्टमेंट से पूछा, वैसे तो हमें मालूम चल रहा है, फिर भी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर तो, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, लीकर भी आती है, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है उसके अंदर। ओके, अल्कोहलिक लीकर है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, सब है, उस पे तो जीएसटी लेवी नहीं है, तो क्या उसे भी टर्नओवर में इंक्लूड करें। डिपार्टमेंट ने कहा आपको क्या लगता है कि क्या बोल रहे हैं। हमने कहा हमें तो लग रहा है कि एग्जम्प्ट सप्लाई बोला है, एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर निल रेटेड भी आ जाती है, होली एग्जम्प्ट भी आ जाती है, और नॉन टैक्सेबल भी आती है, तो ऐसे में इंक्लूड होना चाहिए, होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने कहा यस वो भी इंक्लूड होगा। हमने कहा अगर वो इंक्लूड होगा तो उसके ऊपर तो वैट लगता है, उसके ऊपर तो एक्साइज लगती है, सेंट्रल एक्साइज लगती है, स्टेट क्या लगती है, एक्साइज लगती है, तो वो टैक्सेस भी क्या होंगे, टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी पकड़ तुमने पकड़ी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आंसर है यस यस यस, क्योंकि हमने कहा है इंक्लूड नहीं होगा सीजीएसटी, हमने कहा नहीं होगा इंक्लूड एसजीएसटी, हमने कहा नहीं होगा इंक्लूड यूटीजीएसटी, अरे हमने कहा नहीं होगा इंक्लूड आईजीएसटी, हमने कहा नहीं होगा इंक्लूड कौन सा कंपनसेशन सेस, मतलब इंक्लूड होगा वैट, इंक्लूड होगा स्टेट एक्साइज, इंक्लूड होगी कौन सी सेंट्रल एक्साइज, अदर टैक्सेस क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। आपको जीरो रेटेड सप्लाई जो करी है वो भी लेनी है, आपको भले ही उस पर टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आप जानते हैं क्या होती है, जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जीरो रेटेड सप्लाई है, नहीं करना पेमेंट, लेकिन टर्नओवर का क्या बनेगा, हिस्सा बनेगा। ऑफ आपको क्या लेना है, सेम क्या लेना है, पेन बेसिस लेना है, ऑल इंडिया बेसिस। डिपार्टमेंट ने कहा अगर और जूस पूछना है वो पूछ लीजिए। तो हमने कहा ऑल इंडिया बेसिस का मतलब क्या है, अगर हम विदेश में भी, हमारा विदेश में भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहां से भी हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा। डिपार्टमेंट ने कहा मन प्रसन्न कर दिया, ये बहुत ही अच्छा तुमने तरीका क्या कर लिया है, जान लिया है पढ़ने का, कि हर वर्ड का जूस निकाल लो, सो डेट अब किसी भी पॉइंट को लेके न्यूमेरिकल बन जाए, रॉन्ग होने की संभावना ही नहीं रहेगी। डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज यस, अगर लॉ बोलता है ऑन कौन सा, ऑल इंडिया बेसिस है, तो इसका मतलब अगर आप विदेश में, फॉरेन में, आउटसाइड इंडिया आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वहां से आप सप्लाई करते हैं, यहां एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन में उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। हमने कहा इससे और एक सवाल याद आया, मान लीजिए मेरी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो अंडर आरसीएम है, जिसपे मुझे पेमेंट नहीं करना है, रिसीपेंट को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो क्या वो टर्नओवर में इंक्लूड होगा। डिपार्टमेंट ने कहा अरे भाई एग्जेंट पे भी पे करना होता है क्या, हमने कहा नहीं, लेकिन वो भी तो इंक्लूड हो रहा है। तो बस जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है अंडर आरसीएम है, अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है, इंट्रा है, इंटर है, अजी एक्सपोर्ट है, अजी एग्जेंट सप्लाई है, सबको इंक्लूड करना है, लेकिन इनवर्ड को इंक्लूड नहीं करना। इवन इनवर्ड आपकी अंडर आरसीएम हो तो भी उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इंक्लूड सिर्फ किसको करना है, जो सप्लाई हो, जो क्या हो, सप्लाई हो। अगर कोई ट्रांजैक्शन, डिपार्टमेंट ने कहा जूस बढ़िया है, सुन लो, पूछा नहीं है, हमारी तरफ से दे रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ किसका लेना है टर्नओवर, सप्लाई का लेना है टर्नओवर, सप्लाई का। इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, अजी जो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, अजी जो ट्रांजैक्शन को शेड्यूल थर्ड में क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, अजी जिस ट्रांजैक्शन को सेक्शन 7 में सप्लाई से बाहर कर रखा है,
उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसे हमें क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने कहा थैंक यू इसके लिए कि आपने जूस निकाल दिया, हमको रेडीमेड बता दिया बिना पूछे कि टर्नओवर किसका लेना है, सप्लाई का। हमने पूछा ये टर्नओवर कंप्यूट करेंगे कैसे, तो डिपार्टमेंट ने कहा ये देखो क्या लिखा है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है हमारा सेक्शन कौन सा, 15, और सेक्शन 15 रिलेटेड रूल्स, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा और उसे एग्रीगेट करेंगे। हमने कहा क्वेश्चन और दिमाग में आ गया, आपने कहा ना सप्लाई, तो कोई सप्लाई तो विदाउट कंसीडरेशन भी है जो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर गिवन है, जिसे विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी क्या माना है, सप्लाई माना है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे भी इंक्लूड करेंगे। अजी डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल करेंगे, सप्लाई होनी चाहिए, फिर उसका हम वैल्यूएशन, क्या बताया सेक्शन 15 उसके रिलेटेड वैल्यूएशन रूल, उससे हम उसका क्या कर लेंगे, वैल्यूएशन कर लेंगे, और फिर उसे हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। तो हमने कहा बात तो हमको समझ में आ चुकी है, बात हमको अच्छे से क्या आ गई है, समझ में आ गई है। तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर बात समझ में आ गई है तो ये लीजिए जो जूस निकाला वो रेडीमेड इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए क्या करा है, दिया है। यही खास बात है किसमें, इस बुक के अंदर क्या लिखा है पढ़ लीजिए, शेड्यूल थर्ड की एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, एग्रीगेट टर्नओवर से एक्सक्लूड रहेंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अदर देन सीजीएसटी, अदर देन एसजीएसटी, अदर देन आईजीएसटी, अदर देन यूटीजीएसटी, अदर देन जीएसटी कंपनसेशन सेस, उसके अलावा जो टैक्सेस एक्साइज हैं, वैट, सीएसटी, वो जरूर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, वो जरूर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। मिल रेटेड है, होली एग्जेम्प्ट है, जिस पे जीएसटी लेवी नहीं है वो भी इंक्लूड होगा। ओनली आउटवर्ड सप्लाई ही इंक्लूड होगी, चाहे वो इवन क्या हो, आरसीएम में हो, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन भी इंक्लूड होगी। कंप्यूटेशन ऑल इंडिया क्या होगी, बेसिस होगी, जीएसटीएन बेसिस नहीं होगी। आपके एक पैन से बहुत सारे जीएसटीएन हैं इंडिया में, एक स्टेट में भी बहुत सारे जीएसटीएन हैं, अलग अलग स्टेट में आपके जीएसटीएन हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो जीएसटी में रहा नहीं, वो तो हमारे पहले क्या था, सर्विस टैक्स में था, या नहीं है। तो एक पैन से जितने भी जीएसटीएन हैं, जितने भी जीएसटीएन हैं, या फिर आपके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका पिछले साल का जितना भी टर्नओवर है उसे क्या करना है, इंक्लूड करना है, उसे क्या करना है, इंक्लूड करना है। हमने कहा बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है, बात अच्छे से समझ में आ गई। और ये भी मालूम पड़ गया कि अगर अगर टैक्सेस हटा दें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, और फिर टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है, तो हम कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। भले ही टैक्सेस को इंक्लूड करके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन टैक्सेस को हटाने के बाद में अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो हम कंपोजिशन के लिए क्या है, एलिजिबल है। डिपार्टमेंट ने कहा आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइए अब हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका टर्नओवर पिछले साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, हमने कहा इसका भी जूस निकाल दीजिए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, अरे डिपार्टमेंट ने कहा ये तो आपकी आदत बिगड़ गई, ये तो बहुत सिंपल है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, यही होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उस ईयर का क्या लेना है, टर्नओवर लेना है पिछले साल का। अरे हमने कहा, हमने डिपार्टमेंट को कहा हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, मैं तो एक्चुअली ये पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो करंट फाइनेंशियल ईयर से ही सप्लाई करना स्टार्ट करा है। डिपार्टमेंट ने कहा इजी है, पिछला साल नहीं है तो टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर नहीं है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 1.5 CR से ज्यादा नहीं है, तो एलिजिबल हो ना, एलिजिबल हो, सिंपल है, सिंपल है। आप क्या हो, एलिजिबल हो, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 CR से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा और पढ़ लो, 75 लाख इन सम स्पेशल कैटेगरी क्या है स्टेट। हमने कहा ये क्या हुआ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। डिपार्टमेंट ने कहा बस थोड़ी देर होल्ड कर लो,
इसका भी जूस निकाल के हम तुमको बहुत ही बढ़िया जूस निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया। सुनने से आपको लगेगा कि यस, नॉलेज तो एक नेक्स्ट लेवल की ही मिली है, थोड़ा सो होल्ड कर लो, फिर हम समझा देंगे। हमने कहा ठीक है, जैसा आप कहें, क्योंकि एक सीक्वेंस होना चाहिए बात का समझाने का, ताकि दिमाग में सिक्वेंशली क्या कर सके, बात जा सके, आगे पढ़ ले। मे ऑप्ट टू पे डिपार्टमेंट ने कहा, पहली देखिए, समझ लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम में कंपोजिशन से क्या करें, पेमेंट करें। चॉइस है, ऑप्शन है, आप एलिजिबल है, स्टिल आप नॉर्मल सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 रेगुलर स्कीम से क्या कर सकते हैं, आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये तो हमने आपको क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। छोटे सप्लायर हो ना, तो छोटे सप्लायर के लिए हमने आपको क्या है, कम रेट वाला क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। अगर आप उसे नहीं अपनाना चाहते, मत अपनाइए, ऑप्शनल है। मे ऑप्ट टू पे, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप एलिजिबल भी हैं और साथ में आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना भी चाहते हैं। फॉर्म हम आपको आगे रूल्स में बता देंगे कि कौन से फॉर्म में आप बताओगे अपनी इच्छा कि कंपोजिशन स्कीम आप चाहते हो, ओके, ये बताएंगे, लेकिन वो बात रूल में बताएंगे। अभी बात समझ लो, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, मुझे कंपोजिशन स्कीम पसंद है, मुझे कंपोजिशन स्कीम चाहिए, ओके। तो आप फिर आप कंपोजिशन स्कीम से पेमेंट कर दीजिएगा इन lieu ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। अभी बताया सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के अंदर पावर है कि उससे नोटिफिकेशन लाते हैं, और नोटिफिकेशन लाके सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस की क्या बताते हैं, रेट बताते हैं, ओके, फिर उस रेट से पेमेंट नहीं करना। फिर हम आपको यहां रूल में बताएंगे ना, हम यहां रूल में बताएंगे उससे पेमेंट करना, रूल में बताएंगे एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट। हमने का बात मालूम है, सच का मतलब हमेशा क्या होता है, रूल होता है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 7। सप्लायर ने कहा इसका जूस की जरूरत नहीं है, समझ गए कि रेट क्या होगी, वो आप रूल क्या बताएंगे, 7 में बताएंगे, सो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी रूल के अंदर रेट को चेंज करना पड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एम्पावर है, उसको रेट को क्या कर सके, आप चेंज कर सके। मतलब रेट सेक्शन में नहीं देके आपने किस में दी है, रूल में दी है, और रूल किस में दी है, 7 में दी है, समझ गए। डिपार्टमेंट ने कहा इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख लो, क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन बट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कैन नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 10। हमने कहा ये जूस तो आपने हमको समझाया था, डिपार्टमेंट ने कहा यही खास बात है, जो जूस बताया वो लिख के भी दे रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, कैन नॉट पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर द पीरियड फॉर विच ही इज क्या अनरजिस्टर्ड, जिस पीरियड के लिए आप लॉ की नजरों में क्या हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, उस पीरियड के लिए आप कंपोजिशन स्कीम से टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हमने कहा बात समझ में आ गई है, कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, ऑप्ट करने पर अप्लाई होती है, अदरवाइज नहीं करेंगे, एलिजिबल है नहीं करेंगे, तो फिर आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की पावर से लाए गए नोटिफिकेशन में दी गई रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा बात बिल्कुल क्या आ चुकी है, अच्छे से समझ में आ चुकी। यस, अब हमारे हैं हमारे रूल 7 पे, आइए रूल 7 का भी जूस निकालते हैं, वर्ड्स को चबाते हैं। रूल 7 है रेट ऑफ टैक्स की, रेट ऑफ टैक्स कंपोजिशन स्कीम के अंदर फॉर कंपोजिशन लेवी एज प्रेजेंटली एप्लीकेबल, क्योंकि रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि इस कंपोजिशन रेट को वो चेंज कर सकते हैं, तो अभी जो प्रेजेंटली एप्लीकेबल है रूल 7 से आइए देखते हैं। एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन का ऑलरेडी हम जूस निकाल चुके हैं, अब जो एलिजिबल है जिसका पिछले साल का टर्नओवर, आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का टर्नओवर देखना है और कुछ भी नहीं देखना है एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल है। आइए देखते हैं, तो सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरर, हर सप्लायर के लिए अलग अलग रेट दी हुई है,
अब जो मैन्युफैक्चरर है, कोई से भी गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, छोटे से छोटे गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, बड़े से बड़ी मशीन का भी मैन्युफैक्चरर है, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरर है, आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर का मतलब? डिपार्टमेंट ने कहा, क्या आप जानते हैं मैन्युफैक्चरर का मतलब? हमने कहा यस, सेंट्रल एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा है हमने, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल क्या करना, इमर्ज होना, न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल जिसका डिस्टिंक्ट नेम हो, करेक्टरिस्टिक्स हो और क्या हो, यूज हो, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। डिपार्टमेंट ने कहा सही पकड़े हैं, मैन्युफैक्चरर का मतलब वही होता है न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल क्या होना, इमर्ज होना, जिसका डिस्टिंक्ट क्या हो, नेम हो, जिसकी डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स हो और जिसका डिस्टिंक्ट क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरर हो तो रेट है आप पे 0.5%, आपको रेट दिए कितनी 0.5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर इन स्टेट हमने यहां पर डिपार्टमेंट से पूछा कि ये टर्नओवर इन स्टेट, ओके, यहां टर्नओवर इन स्टेट का मतलब, डिपार्टमेंट ने कहा सिंपल है, समझ जाओगे, एक ही एग्जांपल से समझ जाओगे। देखो एलिजिबिलिटी के लिए पहले एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, हमें ये तो देखने दो कि आप छोटे सप्लायर हो या मोटे सप्लायर हो, तो पैन बेसिस आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा, ओके। अब जब आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लोगे तो राजस्थान में जितना टर्नओवर होगा उसी का तो ही तो 0.5% आप सीजीएसटी सेंट्रल को और उसी का ही 0.5% स्टेट को दोगे। अरे भाई गुजरात में भी आपका एस्टेब्लिशमेंट है, वहां से जो आप सप्लाई कर रहे हो वहां के टर्नओवर का 0.5% आप गुजरात गवर्नमेंट को दोगे या राजस्थान गवर्नमेंट को दोगे? हमने कहा ये तो बहुत लॉजिकल है, ऑब्वियसली बात है गुजरात को देंगे। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही तो है, जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स का पेमेंट करेंगे तो टैक्स का पेमेंट रेस्पेक्टिव स्टेट में जितना भी टर्नओवर होगा उसका आप 0.5% मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, पे करेगा। हमने डिपार्टमेंट से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हमें मालूम है, मालूम चला है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है या कैसे भी मालूम है, हमें ये मालूम है कि अब नाउ अब एक स्टेट में भी एक से ज्यादा क्या लिए जा सकते हैं, जीएसटी लिए जा सकते हैं। पहले तो आपने वन स्टेट और वन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन नाउ आप ही ने अब बताया है कि वन स्टेट में मल्टीपल जीएसटीएन भी हो सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब टर्नओवर इन स्टेट निकालेंगे तो क्या स्टेट का एग्रीगेट करेंगे या सिर्फ जीएसटीएन बेसिस देखेंगे? डिपार्टमेंट ने कहा बहुत प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से सुनो। टर्नओवर इन स्टेट जो होगा वो स्टेट का होगा लेकिन वो जीएसटीएन बेसिस होगा। अगर आपका एक स्टेट में एक से ज्यादा जीएसटीएन है तो हर जीएसटीएन का जितना टर्नओवर होगा उसका 0.5% क्या करेंगे, वो पेमेंट करेंगे, उसका वो पेमेंट करेंगे। कहने का मतलब मान लीजिए आप राजस्थान स्टेट में, जयपुर में भी आपने रजिस्ट्रेशन है, जोधपुर में भी रजिस्ट्रेशन है, तो जयपुर में आप जितना जयपुर जीएसटीएन पे जितना टर्नओवर करोगे उसका 0.5% दोगे, जोधपुर वाला जितना टर्नओवर करेगा उसका 0.5% क्या करेगा, देगा, इसे बोलेंगे 0.5% ऑफ टर्नओवर इन क्या है, स्टेट। और टर्नओवर का मतलब तो हमने बताया ही है, बस यहां स्टेट बेसिस लेना है और जीएसटीएन बेसिस लेना है, बस आप ये समझ लीजिए जीएसटीएन बेसिस क्या करना है, लेना है। हमने कहा अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो फिर तो टर्नओवर के अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड हो जाती है, जो होली क्या हो एग्जेम्प्ट हो, जो क्या हो निल रेटेड हो, ओके, तो क्या उस पे भी हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा? यस, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और आपको हम जवाब दे देते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लो अपना, आपके सवाल का जवाब है यस। देखिए कंपोजिशन में इंस्टेड ऑफ जो रेट नोटिफाइड करी है नोटिफिकेशन में सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 की पावर से, उसकी पावर से तो आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हो सकती है नॉर्मल रेट 9% हो सकती थी, अजी 18% भी हो सकती थी, 6% भी हो सकती थी, 2.5% भी हो सकती थी, लेकिन 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 अब आप कोई सा भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ मात्र 0.5% से पे करना है, चाहे उसकी नॉर्मल रेट 2.5% हो, चाहे नॉर्मल रेट 6 हो, 9 हो, या कितनी हो, 9 हो, या फिर 14% हो, जो भी रेट हो। लेकिन 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 अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आती है, फायदे के साथ में नुकसान भी आते हैं। तो अब जब आप टैक्स का पेमेंट करेंगे,
आप कंपोजिशन में, तो मैन्युफैक्चरर अगर आप कोई ऐसा गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिस पे 9-1 में नोटिफिकेशन में उसकी नॉर्मल रेट निल रेट है या फिर वो होली एग्जेम्प्ट है, आपको उस पर भी 0.5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब इंक्लूडिंग आपको क्या है एग्जेम्प्ट पे, आपको टैक्सेबल एग्जेम्प्ट दोनों पे पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों पे पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा समझ गए, बात समझ गए, 0.5 + 0.5 = टोटल 1% क्या होगा टैक्स का पेमेंट होगा। क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है कि हम कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें नॉर्मल रेट कितनी है, हमको एक फ्लैट रेट, हमको एक फ्लैट रेट। हमने कहा एक से फ्लैट से सब ध्यान आया कि मान लीजिए हम कोई ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसपे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। अगर हम सेक्शन 9 और सब सेक्शन 1 में नॉर्मल रेट से पेमेंट करते, 2.5% पे करते या फिर 6%, 9%, 14% जो भी होता, तो हम उसके ऊपर कंपनसेशन सेस भी पे करते। हमारा सवाल आपसे ये है, कृपया कर आप हमें ये बताएं, अगर मैं कंपोजिशन ऑप्ट कर लूं तो 0.5 से तो पे करना है, लेकिन क्या उसे उस पे मुझे कंपनसेशन सेस भी पे करना है? डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, आंसर इज नो। हमने यहां पर 0.5% रेट बताई है, इसका मतलब 0.5% ही पे करना है। अब आपको कंपोजिशन, आपको कंपनसेशन सेस क्या नहीं करना है, पे नहीं करना होगा। हमने कहा ये भी आपने सिखा दिया, ये बात भी समझ में आ गई है। टोटल 1% ऑफ क्या होगा, टर्न ओवर इन स्टेट होगा, और टर्न ओवर इन स्टेट जीएसटी एन बेसिस क्या होगा, कंप्यूट होगा, ये भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल बेकरी लिखा, बेकरी लिखा, ऐसा क्यों लिखा? तो डिपार्टमेंट ने कहा समझिए बात को, देखिए अगर आप बेकरी आइटम्स, अगर आप क्या करते हैं बेकरी आइटम्स परचेस करके, आप परचेस करके बेचते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स खुद क्या करते हैं, बनाते हैं और बना के फिर उसको बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कौन है, मैन्युफैक्चरर है। और आपको ध्यान है मैन्युफैक्चरर हो तो फिर आपके कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स निल रेटेड भी हैं, उस पे भी आपको कंपोजिट रेट से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने डिपार्टमेंट को थैंक यू कहा, आपने एग्जांपल से अच्छी बात क्या कर दी, समझा दी है हमको। ऐसी बात हो सकता है कि हम ऐसी बात सोच भी ना सकें, आपने रेडीमेड दे दी है, लेकिन अदर देन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, अदर देन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट ने कहा भाई कुछ गुड्स ऐसे हैं जो जिसपे आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, फिर भी आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए वो गुड्स नेगेटिव लिस्ट वाले हो गए, वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा ऐसे कौन से गुड्स हैं? डिपार्टमेंट ने कहा होल्ड करो, अभी हमने आपको एक स्पेशल स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब भी समझाना है। हम आपको नोटिफाइड जो गुड्स हैं गवर्नमेंट ने करे हैं जिनके रेस्पेक्ट में कंपोजिशन नहीं ले सकते, हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस पर क्यों नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता है तो फिर ठीक है, हम क्या कर देते हैं, अभी आपको बता देते हैं कि वो गुड्स कौन से हैं। तो आप देख लीजिए वो गुड्स हैं हमारे जो हम आगे देख रहे हैं और हमको यहां पर दिए हुए हैं, आइसक्रीम। ओके, हमारा क्वेश्चन, आइसक्रीम वालों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि आप उन्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं दे रहे? डिपार्टमेंट ने कहा एक बात समझिए, देखिए बात ध्यान से समझिए, हमने आपको क्या कहा कंपोजिशन वाले आईटीसी नहीं ले सकते, हमने कहा बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप एक बात समझिए, आइसक्रीम जो होती है ना, इसका जो मेजर इनपुट जो होते हैं जैसे दूध है, उस पर ड्यूटी नहीं लग रही है, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा है। ओके, वो विदाउट क्या है, जीएसटी है, तो इनवर्ड पे भी हमें टैक्स नहीं मिल रहा। अब हम आपको आउटवर्ड पे भी क्या करेंगे, कंपोजिट रेट देंगे, वहां रेवेन्यू का लॉस, रेवेन्यू लॉस अदर गुड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। भले ही आप छोटे सप्लायर हो, लेकिन लॉस अदर गुड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि अदर गुड्स के केस में इनपुट पे, इनवर्ड सप्लाई पे तो टैक्स का पेमेंट मिलता है, इनपुट पे टैक्स का पेमेंट मिल जाता है, और आउटवर्ड पे हम आपको कंपोजिट रेट से ले लेते हैं, तो कुछ तो कंपनसेट होता ही होता है। लेकिन ये कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जहां पर कंपनसेट बहुत कम हो पाता है और लॉस रेवेन्यू का बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में इन गुड्स पे हम नहीं दे रहे, या फिर ये कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनको हम सहयोग ही नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे सिन गुड्स बोलते हैं, इन गुड्स पान मसाला, वो
आइए अब अपने आइसक्रीम हो गया है और अदर एडिबल आइस जो भी खाने का होता है, ओके, चाहे उसके अंदर कोको हो या उसके अंदर नहीं हो। पान मसाला का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, विमल पान मसाला जिसके दाने दाने में है केसर का दम, ओके। एरेटेड वाटर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के मैन्युफैक्चर हो गए हैं। पान मसाला के क्या है, मैन्युफैक्चर है। आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, आइसक्रीम अपने आप में एक क्या है, डेफिनेशन है, अपने आप में क्या होती है, डेफिनेशन होती है, उसके अंदर पर्टिकुलर इतना मिल्क फैट होना चाहिए तो वो आइसक्रीम की कैटेगरी में आता है। अदर एडिबल आइस अगर आप टीवी पे देखते हैं तो अमूल अब ऐड भी करता है कि बाकी तो सब फ्रोजन क्या है, डेजर्ट है, मतलब बाकी सब अदर एडिबल आइस है और हम जो दे रहे हैं ये हमारी आइसक्रीम है, ओके, आइसक्रीम है। तो हमारा लॉ कह रहा है चाहे आप आइसक्रीम की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसमें हो या उसमें नहीं हो, जो भी एडिबल क्या है आइस है, जो भी एडिबल आइस है, ओके, जैसे फ्रोजन डेजर्ट है तो उन पे नहीं है, पान मसाला पे नहीं है, एरेटेड वाटर पे नहीं है, ऑल गुड्स डेट इज टोबेको, ओके, तंबाकू जो होता है, जर्दा जो होता है, एंड मैन्युफैक्चर टोबेको सब्स्टिट्यूट्स हैं। ये हमारे चार ऐसे नोटिफाइड गुड्स हैं जिन पे आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा समझ में आ गई है बात, अगर हम इनके सप्लायर हैं तो हम कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। हमने कहा सब, हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, ठीक है चलिए, मैं आइसक्रीम मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, पान मसाला कर रहा हूं, एरेटेड वाटर कर रहा हूं, टोबेको के गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ में वो गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैं साथ में वो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं जो नोटिफाइड नहीं है, जो क्या नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो क्या अब मैं कंपोजिशन स्कीम उन पे ऑप्ट कर सकता हूं, क्या उन पे मैं कंपोजिशन स्कीम में क्या कर सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन आपका बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन का अच्छा आंसर आप यहां से पढ़ें और हमसे जूस पूछ लीजिएगा, हम चबा के दे देंगे। हमने पढ़ा कंपोजिशन स्कीम, शैल भी क्या होगा, अडॉप्टेड होगा, ऑप्ट करनी पड़ेगी, यूनिफॉर्मली बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज पैन इंडिया बेसिस पे। इसका मतलब है अगर आपको एक जगह कंपोजिशन करना है तो सब जगह करना पड़ेगा, एक जगह नहीं कर सकते तो कहीं भी नहीं कर सकते। हमने का आंसर तो मिल गया, अगर मैं पान मसाला का मैन्युफैक्चरर हूं, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर हूं, एरेटेड वाटर का मैन्युफैक्चरर हूं, टोबेको मैन्युफैक्चरर हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, कंपोजिशन नहीं ले सकता। अगर मैं इन गुड्स के रेस्पेक्ट में नहीं ले सकता तो अदर गुड्स जो मैं दूसरे स्टेट में भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं वहां पर भी कंपोजिशन नहीं ले सकता। बात समझ में आ चुकी है, लेना है सब जगह लेना होगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट ने कहा क्या बात समझ में आ गई, हमने कहा यह बात भी समझ में आ गई। मान लो राजस्थान स्टेट से जो मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उस पर नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, टोटल 12%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, टोटल 18%। मुझे लगा कि अब मेरा जब एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं है तो मुझे कंपोजिशन ऑप्ट करके 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी से अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देनी चाहिए, तो मैंने ऑप्ट करना चाहता हूं। लेकिन गुजरात में जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं वो तो नील रेटेड है, उस पे मैं 0.5% क्यों पे करूं, तो मैं वहां चाहता हूं कि कंपोजिशन ऑप्ट ना करूं। अब यही बात आपकी मेरे को समझ में आ गई है, अगर ऑप्ट करना है तो गुजरात पे भी टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गुजरात पे कंपोजिशन से पेमेंट मत करिएगा, लेकिन राजस्थान वाले पे फिर 18-12 जो भी रेट है उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल क्या समझे हैं, सही समझे हैं, यही बात बताई है, इंग्लिश लैंग्वेज हर जूस दिया होता है, आप अपने से क्या कर ले पढ़ ले। तो हमने कहा अभी पढ़ लेते हैं, तो एक जीएसटीएन पे इन एलिजिबल होने पे सभी जीएसटीएन ऑन सेम पैन पे भी इन एलिजिबल होंगे। अगर हम किसी जगह कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते तो फिर हम कहीं पर भी नहीं कर सकते। एक जीएसटीएन पे नॉर्मल स्कीम एंड अदर जीएसटीएन पे कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते। हमने कहा बात समझ में आई, गुजरात में नॉर्मल, राजस्थान में कंपोजिशन, ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा तो सब जगह क्या चलेगा, एक ही चलेगा। ये बात भी समझ में आ गई, मैन्युफैक्चर का मतलब समझ में आ गया, बस पता रखना है क्या,
बस हमको ये ध्यान रखना है कि न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल। ओके, तो फिर 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, इंक्लूडिंग कौन से, जो होली एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, उन पर भी। और उन्होंने कहा आगे पढ़ने से पहले चलो ये पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, रूल 7 क्लॉज सी, एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर क्या है, कंपोजिशन। एनी अदर सप्लायर का मतलब, एनी अदर सप्लायर तो हमने कहा इसका मतलब तो शायद वो बाकी सारे ट्रेडर भी आ गए हैं, सप्लायर ऑफ क्या आ गए हैं, सर्विस भी आ गए हैं, वो सभी आ गए हैं। डिपार्टमेंट ने कहा बस हम यहाँ आपको जूस निकाल के क्या कर देते हैं, दे देते हैं, हम आपको यहाँ पर रेडीमेड जूस निकाल के क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। उस बात को आप क्या करें, समझें और देखिए। सेक्शन 10 और आपका सब सेक्शन 2 बोल रहा है He is not engaged in supply of services. इसका मतलब we are so sorry. सर्विस सप्लायर जो है, सप्लायर ऑफ सर्विसेस है, आपके लिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गुड्स वालों के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स वालों के लिए। तो हमने कहा समझ गए, इसका मतलब अब आपके अदर सप्लायर का मतलब क्या हुआ, ट्रेडर हुआ। अगर सिर्फ गुड्स वालों के लिए कंपोजिशन है और मैन्युफैक्चरर के लिए आपने बता दिया, तो अब इसका मतलब क्लॉज सी के अंदर कौन हुए हैं, अदर क्या है, सप्लायर है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल क्या समझे हो, सही समझे हो, बिल्कुल क्या समझे, सही समझे। लेकिन एक बात हम यहीं पर ही बीच में समझाना चाहते हैं जिससे आप प्रैक्टिकली फील करिएगा। हमने कहा कराइए, डिपार्टमेंट ने कहा जरा सोचो, मैन्युफैक्चरर है, ओके, इसका मतलब वो जॉब वर्क पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि जॉब वर्क तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अपनी प्रीमाइसेस किसी को रेंट पे नहीं दे पाएगा क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अपनी बिल्डिंग पे किसी को ऐड नहीं करने देगा क्योंकि वो भी सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। तो ऐसी स्थिति में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना इंडिया में ने तो ना के बराबर हो जाएगा, ना के बराबर है। ट्रेडर है, आप उसे होम डिलीवरी नहीं करने दोगे, अरे भाई सप्लाई ऑफ सर्विस है। ओके, तो आप ऐसी स्थिति में कंपोजिशन स्कीम को फेल कर रहे हो। आपकी नियत देने की नहीं है, बस आपका बोलना है कि छोटे सप्लायरों के लिए एक क्या है, सपोर्ट है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा ना समझे। इसीलिए हमने क्या करा, ओवर ए पीरियड चेंज करा, और अब हम आपको चेंज बताते हैं। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, चेंज बता रहे हैं, और चेंज ये है, एक बार आप पढ़े फिर हम जूस निकालेंगे। ए पर्सन Who opt to pay tax under clause A, that is manufacturer, clause C, that is trader, clause B नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे। Okay, तो manufacturer और trader हो, may supply services proviso डाल दिया, हमने कहा समझ में आ गई, exception डाल दिया। पहले आपने मना करा था, फिर आपने कहा अब आप supply of service कर सकते हो। हमने कहा department से एक सवाल, अभी बीच में रोकने दो, टोकने दो हमें बीच में। जब सप्लाई ऑफ सर्विस वाले कंपोजिशन कर सकते हैं तो फिर आपने प्रोविजो क्यों लाए। आप उस सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए को ओमिट कर देते, डिलीट कर देते, हम समझ जाते कि सर्विस वाले भी है। डिपार्टमेंट ने कहा जरा समझो, आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, अरे ट्रेडिंग के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस हो नहीं, आपके लिए क्या नहीं है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 नहीं है। हमने कहा अब बात समझ में आई, ये हुआ वर्ड्स का जूस कि पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, दैट इज मैन्युफैक्चर हो, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस हो। ट्रेडर है, साथ में सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विस है। सप्लाई ऑफ सर्विस कितनी, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10%, ये हम आपको बाद में समझा देंगे, लेकिन अभी इतना समझो अब आप साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। कोई सी भी करो, एग्जेम करनी है एग्जेम करो, टैक्सेबल करनी है टैक्सेबल करो, मैन्युफैक्चर है डायग्नोसिस सेंटर चला लो, ठीक है ना, हेल्थ केयर क्या दे दो, सर्विस दे दो, लेकिन ध्यान रखना मैन्युफैक्चरर हो, आप 0.5% से पे करना है, फिर आपको सर्विस पे भी 0.5 से पे करना है। आप कोई सी भी सर्विस दो, एग्जेम दो, उस पे भी 0.5 से ही क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा समझ में आ गई है बात, समझ में आ गई है, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस वालों के लिए क्या नहीं है, कंपोजिशन नहीं है। समझ में आ गई है बात, दिमाग में बैठ गई है। सवाल ये है वैसे मन में कि सर्विस वालों को क्यों नहीं दे रहे हो कंपोजिशन, सर्विस वालों, लेकिन आपको जब प्रॉपर लगे समझा देना, सिर्फ गुड्स वालों के साथ ही इतना प्रेम क्यों,
इतना प्रेम क्यों, लेकिन सर्विस वालों के साथ में प्रेम क्यों नहीं है, उन्हें कंपोजिशन क्यों नहीं है, उन्हें कंपोजिशन क्यों नहीं है, ये भी हम क्या करेंगे आपसे जानना चाहते हैं। आप बताइएगा, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल बताएंगे। पहले आप समझ लो अदर सप्लायर का मतलब बिंग ट्रेडर, 0.5% पे करोगे। ऑफ क्या है, टर्नओवर, टर्नओवर इन स्टेट, लेकिन कौन सा टर्नओवर, ओनली टैक्सेबल टर्नओवर। हमने डिपार्टमेंट से पूछा मैन्युफैक्चर से पे कराओगे टर्नओवर पे इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट पे, और ट्रेडर से पे कराओगे सिर्फ टैक्सेबल पे। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों अलग अलग लेवल के सप्लायर हैं, दोनों अलग अलग लेवल के सप्लायर हैं। जब हम छोटे सप्लायर बड़े सप्लायर के साथ में अलग अलग प्रोविजन लाते हैं, तो कंपोजिशन में भी हम मैन्युफैक्चर और ट्रेडर के साथ अलग अलग ला सकते हैं। ओके, 0.5% टैक्सेबल। ग्रोसरी शॉप है, जनरल स्टोर है, वेराइटी ऑफ गुड्स क्या करते हो, सप्लाई करते हो, सब पे 0.5%, लेकिन जो गुड सप्लाई कर रहे हो उसमें से कोई होली एग्जेम्प्ट हो उस पे आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप जनरल स्टोर वाले ध्यान रखो, ध्यान रखो। कॉस्मेटिक शॉप है, आप क्या रखिए, ध्यान रखिए, बस ये ध्यान रखिए जो एग्जेम्प्ट है उस पे नहीं करना, बाकी सभी पे क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके लिए और ईज है। 0.5% से टैक्स का क्या कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, मात्र 0.5 प्लस 0.5 1%, और साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हो। एग्जेम्प्ट पे तो आपको पे ही नहीं करना है, एग्जेम्प्ट पे पे नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, टैक्सेबल पे 0.5% क्या करना है, पे करना है। हमने कहा एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन अच्छा है, बाकी आप बताइएगा क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कौन हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, ओके मैन्युफैक्चरर हूं, और साथ में मैं क्या करता हूं, ट्रेडिंग भी करता हूं। ये देखिए स्क्रीन पे, मैन्युफैक्चरिंग भी हूं और क्या हूं, ट्रेडिंग भी हूं, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा हूं, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा हूं, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस। दिमाग में सवाल ये आ रहा है, परेशान कर रहा है कि इस एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस पे 0.5% पे करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैन्युफैक्चर को अपने टर्नओवर पे करना है, ट्रेडिंग वाले को अपने टैक्सेबल पे करना है। कंफ्यूज हो रहा हूं क्या करूं। डिपार्टमेंट ने कहा आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन हम देंगे, हम चबाएंगे आपके लिए हर वर्ड को जूस निकाल के देंगे। और ये लीजिए, अगर आप अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग है, वहां सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो उस पे 0.5 पे करो, इवन वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। और राजस्थान में ट्रेडिंग कर रहे हो, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो एग्जेम्प्ट वाली, उस पे आपको क्या नहीं करना है, पे नहीं करना, अलग अलग डिफरेंट स्टेट में हो। हमने कहा ये तो मैं कर लेता, लेकिन बात यह है कि अगर मैं कौन से स्टेट में हुआ, सेम स्टेट में ही मैन्युफैक्चरिंग है, सेम स्टेट में अपना क्या है, ट्रेडिंग का भी काम है, सेम स्टेट में ट्रेडिंग का भी काम है, और साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस का भी क्या है, काम है, लंबा चौड़ा फैला हुआ काम है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, खूब सारा बिजनेस है। अब वो जो सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, वो एग्जेम्प्ट है। अब नहीं समझ में आ रहा कि इस पे करूं या नहीं करूं, तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा देखो हम वैसे डिपार्टमेंट है, लेकिन 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 यहां हम आपके लिए जूस निकालने का काम कर रहे हैं, तो समझो लॉ ने आपको बताया। अरे हमने कहा नहीं बताया, तभी तो कंफ्यूजन हुआ। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा जब नहीं बताया आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, हमने कहा हमारे लिए तो बेनिफिशियल उस पे करना नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल पे करना है। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही आपका आंसर है, और आपसे हमने आंसर उगलवा लिया, आपने मान लिया। अब आप क्या करिएगा, सेम स्टेट में है, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस पे मत करिएगा, टैक्सेबल पे, रेट तो दोनों पे 0.5 है, तो टैक्सेबल पे कर दीजिएगा, एग्जेम्प्ट पे मत करिएगा। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो तो मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेट में सप्लाई ऑफ सर्विस करें, वहां पे कर देना, ट्रेडिंग वाले स्टेट में जहां सप्लाई ऑफ सर्विस करें एग्जेम्प्ट वाली, वहां पर क्या मत करिएगा, पे नहीं करिएगा। हमने डिपार्टमेंट को थैंक यू कहा कि बहुत अच्छा आपने इंटरप्रिटेशन दिया, हमने पहले भी क्या करे हैं, कहीं पढ़े हैं, लेकिन नहीं सुना, बुक में कहीं नहीं देखा। ओके आपने बता दिया, बात समझ में आ चुकी है, बात समझ में आ गई, टैक्सेबल का ही क्या करना है, पे करना है। और टर्नओवर इन स्टेट हमेशा कौन से बेसिस निकलता है, जीएसटीएन बेसिस निकलता है। हमारे सप्लायर ने कहा साहब अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, पर ये बता रहा हूं कि बात समझ में आ गई, एक ही स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग वाला भी है और साथ में ट्रेडिंग वाला है। मैन्युफैक्चरिंग वाला अलग जीएसटीएन से कर रहा हूं, और ट्रेडिंग वाला काम क्या कर रहा हूं, अलग जीएसटीएन से कर रहा हूं।
अब अगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ में अगर कोई सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा तो उस पे मुझे टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर ट्रेडिंग वाले जीएसटीएन के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस करूंगा एग्जेम्प्ट, तो उस पे मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे पे नहीं करना पड़ेगा अगर एक ही स्टेट में मैंने दोनों के अलग अलग क्या ले रखे हैं, जीएसटीएन ले रखे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग आप में अच्छे से क्या हो चुकी है, आ चुकी है, वर्ड समझ में आ गए। तो एनी अदर सप्लायर का मतलब है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस अगर कर रहे हो, परमिशन दिए अगर कर रहे हो, तो उस पे भी 0.5% पे कर दीजिएगा, 0.5% पे कर दीजिएगा। ओके, हमने कहा ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कौन बच गए, क्लॉज बी वाले। डिपार्टमेंट ने कहा बताते हैं, ये एक इकलौते हैं, ये एक इकलौते हैं, इकलौते हैं, ये वो इकलौते हैं जो सप्लायर ऑफ सर्विस होते हुए भी कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। हमने कहा ये वो कौन से इकलौते हैं, तो उन्होंने कहा सेक्शन 7 है सप्लाई का, वहां शेड्यूल क्या है, सेकंड है, पैरा 6 क्या है, बी है। तो हमने कहा एक बार हम चल लेते हैं, क्योंकि जनरल नहीं पढ़ेंगे, वर्ड्स का क्या निकाल के पढ़ेंगे, जूस निकाल के ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए हम आपको वहां का क्या निकाल के दे दें, जूस निकाल के क्या कर देते हैं, दे देते हैं। तो चलिए अब हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल सेकंड पे जाते हैं, उसके पैरा 6 पे जाते हैं, और उसका क्लॉज कौन सा पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा शेड्यूल सेकंड, पैरा 6, और क्लॉज कौन सा है, बी। तो आप देख पा रहे हैं कौन से वाले हैं, ये हैं कैटरिंग वाले, रेस्टोरेंट वाले, कैटरिंग वाले, रेस्टोरेंट वाले, सप्लाई ऑफ सर्विस वाले। देखिए एक तो फूड जो होता है, एक तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह करते हैं, और एक वो होते हैं जो फूड को सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह करते हैं। कौन, जैसे कि आपकी मान लीजिए ग्रोसरी शॉप है, आप फूड सप्लाई करते हो, लेकिन आप फूड को एज ए गुड्स क्या करें, सप्लाई कर रहे हो। कैटरिंग वाला भी फूड क्या करता है, सप्लाई करता है, लेकिन हलवाई फूड को एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह क्या करता है, सप्लाई करता है। रेस्टोरेंट भी फूड सप्लाई करता है, लेकिन वो उस फूड को सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह सप्लाई करता है, मतलब कंपोजिट है, वो क्या है, कंपोजिट है। तो सिर्फ उनको, रेस्टोरेंट वाले जो हैं, जो फूड को सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह सप्लाई कर रहे हैं, कैटरिंग वाले जो गुड्स को सर्विस की तरह क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ वो, ये वो सप्लायर हैं जो कंपोजिशन स्कीम क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है साहब, बात बिल्कुल समझ में आ गई है, ये क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन पूछा, हमने क्वेश्चन पूछा इसका मतलब शेड्यूल सेकंड है, पैरा 6 से, और क्लॉज भी है, मतलब फूड सर्विस वाले हो गए हैं। ओके, फूड सर्विस रेस्टोरेंट वाले हो गए हैं, कैटरिंग वाले हैं। 2.5% आप बता रहे हैं सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, अगेन टर्नओवर इन स्टेट का, टर्नओवर इन स्टेट का। डिपार्टमेंट ने कहा समझ लो, अगर आप इसके साथ में और दूसरी भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, कर सकते हो, कर सकते हो, इसके साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, ट्रेडिंग के साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, रेस्टोरेंट और कैटरर हो तो साथ में दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो। ओके, आपको उस पर भी 2.5% से पेमेंट करना पड़ेगा। इवन जो वो अदर सप्लाई ऑफ सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है, तो भी उस पर आपको 2.5% की रेट से क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा बात बिल्कुल क्या आ गई है, समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। लेकिन वो सेम क्वेश्चन, अब ये मैन्युफैक्चरर हूं और साथ में रेस्टोरेंट भी है, साथ में रेस्टोरेंट भी है, मुझे मालूम है मैन्युफैक्चर पे 0.5 है और रेस्टोरेंट पे 2.5 है, रेस्टोरेंट पे कितना है, 2.5 है, लेकिन साथ में मैं अदर सप्लाई ऑफ क्या कर रहा हूं, सर्विस भी कर रहा हूं, अदर सप्लाई ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल है, जो मानना है मान लीजिए डिपार्टमेंट से का। मेरी प्रॉब्लम यह है कि अब जो अदर सप्लाई ऑफ सर्विस है उस पे 0.5% पे करूं या उस पे 2.5% पे करूं। हमने डिपार्टमेंट को कहा, मैंने आपसे सेम क्वेश्चन क्या करा था, पूछा था मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, वहां रेट का नहीं पूछा क्योंकि रेट तो दोनों पे 0.5 थी, वहां मैंने पूछा कि अगर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो पे करूं या नहीं करूं। आपने कहा डिफरेंट स्टेट है, सेम स्टेट है। अब मेरा क्वेश्चन यह है, मैन्युफैक्चरिंग है, साथ में रेस्टोरेंट है, दोनों की रेट अलग अलग है, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहा हूं, तो उस पे कौन सी रेट से पेमेंट करूं। डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए आंसर तैयार करा है, अगर आप डिफरेंट स्टेट में हो, मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टेट महाराष्ट्र है और आपका रेस्टोरेंट वाला स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, अगर महाराष्ट्र में सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो वहां आप 0.5% पे करिएगा सर्विस पे,
राजस्थान में रेस्टोरेंट के साथ में अदर सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हो, 2.5% पे करिएगा राजस्थान में। और अगर आप सेम स्टेट में हो, हमने कहा समझ गए, आपने कहा था अगर लॉ में नहीं दिया है तो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो, तो हमने कहा हमारे लिए बेनिफिशियल कितना है, 0.5% है। तो अगर हम राजस्थान स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग भी है, रेस्टोरेंट भी है हमारे, और अदर सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हैं, तो अदर सप्लाई ऑफ सर्विस पे हम 0.5% की रेट से क्या कर देंगे, टैक्स का पेमेंट कर देंगे। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल अच्छे से क्या कर चुके हो, समझ चुके हो बिल्कुल अच्छे से। हमने कहा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, मेरा रेस्टोरेंट है और साथ में वो लीकर भी क्या करता है, सर्व करता है साथ में लीकर। सवाल इसलिए है क्योंकि लीकर पे तो जीएसटी लेवी ही नहीं होता ना, ठीक है। देखिए एग्जाम पे आपने लिया मैन्युफैक्चर से, आपने एग्जाम पे भी लिया, ओके, आपने रेस्टोरेंट से अदर सप्लाई ऑफ सर्विस जो एग्जाम पे उस पे भी आपने लिया, वो समझ में आता है कि वो एग्जाम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन लीकर पे तो जीएसटी ही लेवी नहीं है ना, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 से ही क्या कर रखा है, बार कर रखा है। अब मेरा रेस्टोरेंट वाला लीकर भी के साथ में सर्व कर रहा है, सवाल मेरा आपसे यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं, क्या लीकर पे भी पे करना पड़ेगा, लेवी नहीं है तो भी पे करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, अभी तुमको बात समझाते हैं, तुम समझ जाओगे बात को, और उसके लिए ये लीजिए हम आपको प्रोविजन बता देते हैं पहले। और प्रोविजन हमारे लिए आपके लिए हम ये बता रहे हैं, ये लीजिए हम आ गए हैं, ये लीजिए सबसेक्शन 2, ही इज नॉट एंगेज, खुद ही पढ़ लीजिए, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। इसका मतलब डिपार्टमेंट ने कहा रेस्टोरेंट हो साथ में लीकर भी सर्व करते हो, आप कंपोजिशन ऑप्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे सप्लायर मैन्युफैक्चर हो लीकर भी मैन्युफैक्चर करते हो, नहीं, आप कंपोजिशन क्या नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। ट्रेडर हो सोडा वाटर क्या करते हो, बेचते हो, साथ में लीकर भी बेच रहे हो, हालांकि लीकर के साथ में सोडा वाटर बेच रहे होंगे, लेकिन अपना एग्जाम्पल सोडा वाटर बेच रहे हो साथ में लीकर भी बेच रहे हो, नहीं, आप कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कोई सा भी गुड सप्लाई कर रहे हो, ओके, कोई सा भी गुड सप्लाई कर रहे हो, पेट्रोल पंप भी है आपका, पेट्रोल पंप भी है, नहीं, आप कंपोजिशन स्कीम क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते हो, आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। और ध्यान है, अगर एक भी जगह इनएलिजिबल हो तो आप पेन बेसिस पे क्या हो, इनएलिजिबल हो। अगर आपका दूसरे स्टेट में लीकर का काम है तो आप उसके अलावा अदर स्टेट में भी कंपोजिशन क्या नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। हमने कहा समझ में आ गई, जितने भी रेस्टोरेंट्स वाले हैं जो साथ में क्या कर रहे हैं, लीकर सर्व कर रहे हैं, वो कंपोजिशन क्या नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा आपको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। ये लीजिए देखिए, रेस्टोरेंट है, फूड सर्विस देते हो, साथ में लीकर भी क्या कर रहे हो, सर्व कर रहे हो। अगर आपका सिंगल पैन है तो ये लीजिए आप कंपोजिशन ऑप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो ऐसी सप्लाई कर रहे हो जिसपे जीएसटी लेवी ही नहीं होता, जिसपे क्या नहीं हो रहा, जीएसटी लेवी नहीं हो रहा। लेकिन इसका इलाज डिपार्टमेंट ने कहा लॉ का जूस निकालेंगे, वर्ड्स को क्या करेंगे, चबाएंगे और सिखाएंगे। एक काम करिए, आप रेस्टोरेंट को अलग पैन से चलाइए और लीकर जो सर्व कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट क्या लीजिए, पैन लीजिए। डिपार्टमेंट ने कहा समझा देते हैं, कान खोल के सुन लो, ये मत बोलिएगा कि पैन हमारा एक है, हम रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, लीकर के लिए हम वैट में रजिस्टर्ड हैं। अरे रजिस्ट्रेशन से नहीं है, पैन एक है, बस आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कंपोजिशन ऑप्ट करना तो आप डिफरेंट पैन से क्या करो, काम करो, लीकर के लिए डिफरेंट पैन से काम करो और रेस्टोरेंट फूड सर्विस के लिए दूसरे पैन से काम करो। अब आप रेस्टोरेंट पे क्या कर सकोगे, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकोगे। हमने डिपार्टमेंट को स्पेशल थैंक्स का, आपने सिर्फ हमको से बताया नहीं, समझाया नहीं, आपने हमको तरीका भी बताया कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने कहा हम यही चाहते हैं कि जो पढ़े प्रॉपर जूस निकाल के शब्दों को चबा के क्या करें, पढ़ें और आपको हम क्या कर सकें, इतनी हेल्प कर सकें। अब तो समझ में आ गया, सिर्फ एक सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक सप्लाई ऑफ सर्विस कौन से, जिन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लॉज बी, समझने के लिए फूड सर्विस, कैटरिंग वाले और कौन से वाले, रेस्टोरेंट वाले। लेकिन तरीके से बोले तो शेड्यूल सेकंड पैरा 6 और उसका क्लॉज कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लॉज बी हो जाएगा। सिर्फ एक सप्लाई ऑफ सर्विस है जो कंपोजिशन ऑफ कर सकते हैं, बाकी सप्लायर ऑफ सर्विस
बाकी सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में मना कर रखा है, मना सबसेक्शन 2 ने मना किया था, आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होनी चाहिए हो, लेकिन साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कर सकते हो, रूल 7 क्लॉज बी में जो कैटरर है रेस्टोरेंट है उसके साथ में आप दूसरी सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो, और ट्रेडर हो दूसरी साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये हमने आपको रूल 7 से हमने रेट बता दिए, प्रेजेंट रेट है, मैन्युफैक्चर ट्रेडर के लिए रेट सेम है, बस ट्रेडिंग वालों को बेनिफिट ये दिया है कि आप टैक्सेबल पे ही पे करिएगा, चाहे वो टैक्सेबल गुड्स हो चाहे वो टैक्सेबल क्या हो सर्विस हो, टैक्सेबल सर्विस हो। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये लीजिए, हम जो भी समझाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक यहां पर क्या करी हुई है, बात दी हुई है, हर एक बात दी, यही खास बात है किसमें, इस बुक में। और देख लीजिए क्या है, फ्लैट क्या है, टैक्स रेट है, फ्लैट टैक्स रेट है, कोई कंपनसेशन सेस नहीं होगा, क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि कौन सा गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या ट्रेडिंग कौन से गुड्स में कर रहे हो, कंपनसेशन सेस क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर, कोई क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, साथ में सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी कर रहे हो उसकी भी क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हाँ अगर एग्जेम्प्ट है और ट्रेडिंग के साथ में कर रहे हो तो उस पे पे नहीं करना है, बस ये क्लासिफाई करना है कि वो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, मैन्युफैक्चरर को तो वो भी नहीं करना, रेस्टोरेंट वाले को तो वो भी नहीं करना, ट्रेडर को करना है, बाकी रेट का क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखेंगे, लेकिन पेमेंट ऑफ टैक्स जब आप करोगे इस साल तो आप किस पे करोगे, अपने अपने स्टेट में और अपने अपने जीएसटीएन पे जितना टर्नओवर है उसका, एक स्टेट में मल्टीपल जीएसटीएन है तो अपने अपने जीएसटीएन का जितना टर्नओवर होगा उस पे पे करिएगा, एग्रीगेट जीएसटीएन करके क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप पढ़ लीजिए क्या दिया है, मैन्युफैक्चरर को निल रेटेड होली एग्जेम्प्ट सप्लाई पर भी क्या करना है, जीएसटी पे करना होगा, यही था, ट्रेडर को निल रेटेड और होली एग्जेम्प्ट सप्लाई पे जीएसटी पे नहीं करना है, उसको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और टैक्सेबल सप्लाई जो साथ में सर्विस कर रहा है उस पे क्या करना है, पे करना है, एग्जेम्प्ट पे उसको क्या नहीं करना है, पे करना ही नहीं है। हमने कहा बात समझ में, यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कंपोजिशन की जो लिमिट थी वो हम देख रहे हैं, तो कंपोजिशन की लिमिट पिछले साल टर्नओवर 1.5 सीआर से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं और जो भी हमें जूस निकालना होगा डिपार्टमेंट से हम पूछते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन डिपार्टमेंट से पूछा ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का क्या मतलब है, तो डिपार्टमेंट ने हमको आंसर दिया है कि आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब बताया हुआ है आर्टिकल 279A से। ओके, आर्टिकल 279A से हमने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का उसके क्लॉज किससे, 4 से और उसके सब क्लॉज जी से, ये रहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब। आइए जूस निकाल देते हैं, डिपार्टमेंट ने कहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये 11 स्टेट्स हमने 11 स्टेट्स बताए हैं स्पेशल कैटेगरी क्या है, स्टेट्स हैं, इनके रेस्पेक्ट में आर्टिकल 279A ने, आर्टिकल किसने, 279A ने बताया है कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल 279A। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब क्लॉज कौन सा है, उसका 4 है और उसका सब क्लॉज कौन सा है, जी है। तो लॉ मेकर ने कहा इनके रेस्पेक्ट में हम स्पेशल क्या बना सकते हैं, अलग प्रोविजन बना सकते हैं, चाहे वो कंपोजिशन की लिमिट हो, रजिस्ट्रेशन की क्या हो लिमिट हो, रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हो, तो स्पेशल प्रोविजन इनके लिए हो सकता है। 11 स्टेट, बेसिकली इनको याद करने का तरीका कौन सा है, इनको याद करने का तरीका देखिए, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है साउथ है, ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा क्या है ईस्ट है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये बेसिकली 11 स्टेट्स आ रहे हैं किसमें, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर ये आ रहे हैं। जैसे यहां पर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल क्या होगा प्रदेश भी उधर ही आएगा, त्रिपुरा भी आएगा, मणिपुर भी आएगा, मेघालय भी आएगा, मिजोरम भी आएगा, नागालैंड भी आएगा, सिक्किम भी आएगा, असम भी आएगा उसके अंदर, उत्तराखंड भी आएगा। तो ये बेसिकली याद करने का तरीका ये रहा। और लॉ मेकर ने कहा है, डिपार्टमेंट ने कहा देख लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट का मतलब, अरुणाचल क्या है प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं, डिपार्टमेंट ने कहा ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश पूरा स्टेट,
असम हो गया सेकंड स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, ओके जम्मू एंड क्या हो गया है, कश्मीर है। उसके बाद में क्या है, मणिपुर है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, हिमाचल क्या है प्रदेश, और उत्तराखंड। तो याद करना बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्टर्न क्या स्टेट्स हैं, आप जम्मू एंड कश्मीर से क्या करेंगे चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा, सिक्किम भी आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी आएगा, उत्तराखंड भी आएगा, मणिपुर भी आएगा, मिजोरम भी आएगा, मेघालय भी आ जाएगा उसके अंदर। तो ये सारे स्टेट, त्रिपुरा, ये सब स्टेट स्पेशल कैटेगरी क्या है, स्टेट्स है। आर्टिकल कौन सा है, 279 क्या है, ए है। आर्टिकल कौन सा है, 279 ए है। इनके रेस्पेक्ट में अलग प्रोविजन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जीएसटी काउंसिल के पास में पावर है, जीएसटी काउंसिल के पास में पावर है। तो लॉ मेकर ने कहा, एक बार आप रीड कर लीजिए, द जीएस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड द स्टेट ऑन टैक्सेस एज सरचार्ज, ओके गुड्स एंड सर्विसेज डेट में बी सब्जेक्टेड टू क्या है, एग्जेम्प्टेड। ये काउंसिल का क्या है, काम है, ये काउंसिल का क्या है, काम है। और इनके रेस्पेक्ट में वो क्या बना सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो अब हम वापिस से हमारे लौटते हैं सेक्शन किस पे, 10 पे। हम हमारे सेक्शन किस पे आ रहे हैं, 10 पे आ रहे हैं। और आइए अब हम सेक्शन 10 का जूस निकाल देते हैं। यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 11 स्टेट थे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अरुणाचल क्या है, प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। इसके अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश क्या है, मिसिंग है। हिमाचल प्रदेश क्या है, मिसिंग है। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, मिसिंग है। और असम भी क्या है, मिसिंग है। इसके अंदर तीन स्टेट ऐसे हैं, ओके डिपार्टमेंट ने कहा, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये तीन स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये तीन स्टेट वो हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन कंपोजिशन के पर्पज से इनके लिए कोई डिफरेंट प्रोविजन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 279 ए क्लॉज 4 सब क्लॉज जी में जो 11 स्टेट दिए हैं उनके रेस्पेक्ट में हमारे पास पावर है कि हम उसके लिए अलग लिमिट बना सकते हैं, लेकिन उनमें से तीन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम, इसके लिए हमने कोई स्पेशल अलग लिमिट नहीं दी है। वहां पर भी कितना होगा, 1.5 करोड़ ही होगा। बाकी के जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इंस्टेड ऑफ 1.5 सीआर एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर 75 लाख से ज्यादा है तो आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, ओके। आइए जूस निकाल देते हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहीं पर हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, इस एनी वर्ड का मतलब क्या है, तो डिपार्टमेंट ने कहा, ध्यान दीजिए, आपको पैन बेसिस एग्रीगेट टर्नओवर करना है। अब आपके कुछ स्टेट ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो, और कुछ स्टेट वो हो सकते हैं जो कौन से हो, ये वाले स्पेशल कैटेगरी हो। तो फिर ऐसी स्थिति में जो एग्रीगेट टर्नओवर आप देखोगे कंपोजिशन स्कीम ऑफ करने के लिए, इंस्टीड ऑफ 1.5 सीआर आप पैन बेसिस कितना देखेंगे, 75 लाख देखेंगे। अगर एक भी स्टेट उसके अंदर कौन सा है, ये वाले स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी है, 11 में से 3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितने बचेंगे हमारे, 8 स्टेट बचेंगे। अरुणाचल प्रदेश हो गया है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, और कौन सा, उत्तराखंड है। ये जो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, एक भी स्टेट अगर ये हुआ तो इंस्टेड ऑफ 1.5 सीआर एग्रीगेट टर्नओवर जो आप कंसीडर करेंगे कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी के लिए, वो 75 लाख देखेंगे पिछले साल का, ओके। तो आप कितना देखेंगे, एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इफ रजिस्टर्ड। तो हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, ये इफ रजिस्टर्ड का मतलब क्या, इफ रजिस्टर्ड, डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। अगर आप इनमें इन स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं और वहां आप रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि वहां से आप सप्लाई सिर्फ मान लीजिए एग्जेम्प्ट की कर रहे हैं, तो इस वजह से आप क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर एग्रीगेट टर्नओवर इंस्टेड ऑफ 75 लाख 1.5 सीआर कंसीडर करेंगे। एग्जांपल, आप महाराष्ट्र स्टेट से भी क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट से भी कर रहे हैं, और असम से भी कर रहे हैं, आप असम से भी कर रहे हैं, तीन स्टेट से कर रहे हैं, लेकिन असम में जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है और असम स्टेट में आप रजिस्टर्ड नहीं है,
रजिस्टर्ड नहीं है, ओके रजिस्टर्ड नहीं है। अब आप जो एग्रीगेट टर्नओवर कंसीडर करेंगे कंपोजिशन में, एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन में करेंगे, तो वो आप 75 लाख की जगह कितना देखेंगे, 1.5 सीआर देखेंगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल डिपार्टमेंट ने का सुनिए, महाराष्ट्र से मैन्युफैक्चरिंग, राजस्थान से मैन्युफैक्चरिंग, असम में भी मैन्युफैक्चरिंग है, ओके असम में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एग्जेम्प्ट गुड्स की है, निल रेटेड गुड्स की है, होली एग्जेम्प्ट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है। आप वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है, आप वहां रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन लेकिन आप कंपोजिशन स्कीम ऑफ करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे पिछले साल का। अब आप असम में रजिस्टर्ड नहीं है, आप असम में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। असम के लिए तो वैसे लिमिट 1.5 सीआर है, असम की जगह हम स्टेट ले लेते हैं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप रजिस्टर्ड नहीं है तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको कितना देखना है, 1.5 सीआर देखना है। अब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब आप कंपोजिशन ऑप्ट करेंगे तो राजस्थान में भी ऑप्ट करेंगे, आप महाराष्ट्र में भी ऑप्ट करेंगे और अरुणाचल प्रदेश में भी ऑप्ट करना पड़ेगा। और वहां जो आप एग्जेम्प्ट सप्लाई की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस टर्नओवर पे भी आपको 0.5% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझे, हम बस ये बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ 75 लाख 1.5 सीआर कंसीडर करेंगे अगर आप उन स्टेट्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो, नहीं है तो। लेकिन 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 कंपोजिशन स्कीम पैन बेसिस ऑफ करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर हो तो आपको टर्नओवर इन स्टेट पे 0.5% पे करना पड़ेगा, इवन वो आपका टर्नओवर कौन सा है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर है। वन मोर एग्जांपल, आप महाराष्ट्र से भी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप राजस्थान में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो एग्जेम्प्ट गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप वहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा आप वहां रजिस्टर्ड नहीं है, जूस समझ लीजिए, वर्ड्स चबा रहे हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर देखेंगे पिछले साल का। नहीं है ज्यादा 1.5 सीआर से, आप एलिजिबल है, आप एलिजिबल है। राजस्थान में भी ऑप्ट करेंगे, आप ऑप्ट करेंगे कहां पर, आप ऑप्ट करेंगे कहां पर, आप महाराष्ट्र में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में आपको पे नहीं करना है क्योंकि आप क्या हो, ट्रेडर हो, और ट्रेडर को सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे ही क्या करना है, पे करना है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो आप एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, उस पे आपको पे नहीं करना है। 1.5 सीआर से 75 लाख तभी होगी अगर आपका एक भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये वाला स्पेसिफाइड, ये वाला स्पेसिफाइड है, प्लस आप वहां पर रजिस्टर्ड है। चाहे आप 22 से रजिस्टर्ड हैं, हमने कहा रजिस्टर्ड मतलब चाहे उन्हें 22 से हो, चाहे आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो आरसीएम की वजह से या और किसी भी रीजन की वजह से, या फिर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो किसी भी रीजन की वजह से, अगर आप स्पेशल कैटेगरी इनमें स्टेट में रजिस्टर्ड हो तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज 1.5 सीआर ही देखा जाएगा। हमने कहा ये स्पेशल बुक है, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारा जूस है। अब आप पढ़े तो आप पढ़े, अगर अबाउ एनी स्टेट में रजिस्ट्रेशन है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, 75 लाख कंसीडर होगी। अगर अबाउ एनी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एलिजिबिलिटी लिमिट 1.5 सीआर क्या होगी, रहेगी इन किस में, बाकी एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए। बात समझ में, सेकेंड बात, आप अगर क्या है, आप अनरजिस्टर्ड हैं, आप क्या हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप अनरजिस्टर्ड हैं तो 75 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 1. क्या हो जाएगा, 5 सीआर हो जाएगा। 1. क्या होगा, 5 सीआर होगा। 1. क्या होगा, 5 सीआर होगा। ध्यान से सुनिएगा, 75 लाख तभी होगा जब आप उन स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए, ये आपका अरुणाचल क्या है, प्रदेश है, ये आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है, और ये आपका कौन सा है, राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट है, ओके। अब आप मान के चल रहे हैं कि आप अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं है, आप अरुणाचल प्रदेश में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी लिमिट कितनी देखेंगे, हम 75 लाख की जगह 1. क्या देखेंगे, 5 सीआर देखेंगे। अब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप कौन है, मैन्युफैक्चरर हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आप कौन है, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा कितना, 0.5%। राजस्थान में जितना टर्नओवर करोगे उसका कितना, 0.5%। महाराष्ट्र में जितना टर्नओवर करोगे उसका भी कितना होगा, 0.5%।
अरुणाचल प्रदेश में आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो और आप वहां लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो, क्योंकि वहां आप कौन सी सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम वहां पर क्या नहीं हो, रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आप वहां के लिए टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, वहां के टर्नओवर पे आपको पे नहीं करना है, वहां के टर्नओवर पे नहीं करना है, क्योंकि आप वहां रजिस्टर्ड नहीं हो। आप वहां क्या नहीं हो, रजिस्टर्ड नहीं हो, आप वहां टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, आपको पे ही नहीं करना है। सेकंड, ये हो गया। आप उन स्टेट से क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग तो भी आपको क्या करना है, 0.5% ही पे करना है। ये रहा 0.5%, महाराष्ट्र में भी कितना है, 0.5%। आपको यहां पे नहीं करना है, आपको यहां क्या नहीं करना, पे नहीं करना, क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश में आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। और टैक्सेबल पर्सन पे ही जीएसटी क्या होता है, लेवी होता है। आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, इस वजह से आप पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। वहां के टर्नओवर पे आपको क्या नहीं करना है, पे नहीं करना है, क्योंकि वहां से आप कौन सी सप्लाई कर रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो। वन मोर एग्जांपल आपके लिए हम दे रहे हैं, ध्यान से आप उस एग्जांपल को समझिएगा। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका कौन सा, महाराष्ट्र, और ये रहा राजस्थान। और आप वहां पर क्या है, रजिस्टर्ड हैं, आप वहां पर क्या है, रजिस्टर्ड हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में जब आप वहां रजिस्टर्ड हैं, तो इंस्टेड ऑफ 1.5 CR 75 लाख देखेंगे, 75 लाख देखेंगे। अब अगर आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो, डिपार्टमेंट ने कहा जू समझ लीजिए, वर्ड्स चबा रहे हैं आपके लिए, 0.5% राजस्थान में, 0.5% कौन सा, महाराष्ट्र में, और आपको 0.5% ही क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। लिमिट आपके लिए कितनी रहेगी, अब एग्रीगेट लिमिट, जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, इंस्टेड ऑफ कितना, 1.5 CR, तीनों मिला के कितना देखा जाएगा, 75 लाख। और वहां भी आप क्या करेंगे, 0.5% से ही क्या करेंगे, पे करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप वहां एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ 75 लाख 1.5 CR ही करना है, और आप कंपोजिशन ऑप्ट करने के बाद भी आपको वहां पे नहीं करना है, क्योंकि वहां आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, आप वहां टैक्सेबल पर्सन नहीं हो। ओके, तो ये हमने आपके लिए क्या निकाल दिया है, इसका जूस, डिपार्टमेंट ने कहा हमने जूस निकाल दिया है, सप्लायर ने कहा मुझे बात समझ में आ गई है, कंपोजिशन स्कीम पैन बेसिस ऑफ करनी पड़ती है। लेकिन कहां, जहां जहां जीएसटीएन है वहां, अगर किसी स्टेट में जीएसटीएन नहीं है, हम वहां टैक्सेबल पर्सन नहीं है, हम वहां क्या नहीं है, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो कंपोजिशन में भी हमें पे नहीं करना है। ध्यान से समझ लीजिए, पैन बेसिस ऑप्ट करना पड़ता है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, सप्लायर ने कहा वहां वहां हमको कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा, जहां जहां हमारा जीएसटीएन है। डिपार्टमेंट ने कहा अगेन करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन जिस स्टेट में हम रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन 23 से हमको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से क्या मिला हुआ है, हमको एग्जेम्प्शन मिली हुई है, हमें क्या मिली हुई, एग्जेम्प्शन। तो जब एग्जेम्प्शन है, उस स्टेट में आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, लेवी ही नहीं है, तो आपको कंपोजिशन भी पे नहीं करना है। लेकिन जिन जिन स्टेट में रजिस्टर्ड हो, उन सभी स्टेट में आपको कंपोजिशन ऑप्ट करके कंपोजिट रेट से क्या करना होगा, टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो 75 लाख कब देखेंगे, जब एक भी स्टेट कौन सा हो, ये 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो, और प्लस उसमें क्या हो, रजिस्टर्ड हो। आप उन स्टेट में हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप कितना देखेंगे, 1 point क्या देखेंगे, 5 CR ही क्या करा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमने आपको जूस निकाल दिया, जो बताया था कि हम स्पेशल कैटेगरी को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आर्टिकल 279A से क्लॉज 4 सब क्लॉज G से ये 3 स्टेट स्पेशल कैटेगरी हैं, लेकिन कंपोजिशन में इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं, हिमाचल प्रदेश है, असम है, तो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR ही कंसीडर किया जाएगा। ओके।